शांति। आज वरदाता बाप वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर कर के देते हैं। फिर नंबरवार क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया, दाता भाग्य विधाता और वरदाता। वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो, उसको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता, जो बच्चे एक वीरता आदि से अब तक है, वही वरदाता को अति प्रिय है। एक वीरता अर्थात सिर्फ पति वीरता नहीं, सर्व संबंध से एक वीरता, संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा वीरता न हो। एक वीरता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो, दूसरा सदा मेरा तो एक दूसरा न कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक वीरता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरदारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, रायसला के लिए साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है और तो कुछ नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वह कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक वीरता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुननी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है, फिर उस साथी समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो? हर समय साथ है, वह 6-8 घंटा साथ है। वायदा क्या किया है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का है। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्कर में साथ पाठ बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, साकार में कोई विशेष साथी चाहिए,
बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री है। बाप की आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो, साथी है तो सब साथी है, कोई विशेष नहीं। इसको कहते हैं वरदाता को, ऐसे बच्चे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसे वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों की प्राप्ति संपन्न जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी और फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास वितानर नहीं बनती, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए, अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबर वार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक वीरता, एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता, एकांत प्रिय, एक शब्द ही प्रिय होता है। ऐसे और भी निकालना, बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोला नाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? सिर्फ एक का पाठ पक्का करना, पांच सात में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिन चिड़िया के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल चाहे मन से, चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होंगे। हर संकल्प में, हर सिकंद में, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप सन्मुख सकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बाप कर रही है। उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसे वरदानी आत्मा को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है। जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं, ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना, वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सिकन में कर सकते हो। सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना। बस फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी है तो चतुराई भी है। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी है। नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता, फिर भी चांस देते रहते हैं। बाप समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं। तो ऐसे भोले नहीं बनो, अच्छा
अच्छा, विदेश का भी चक्कर लगाकर बच्चे पहुंच गए हैं। जानकी दादी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई विदेश का चक्कर लगाकर आए हैं। अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी ही है। यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का, काम तो आपका हो ही रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाते हैं। यह काम आपका हो रहा है तो वहां का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ, रशा भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। भारत के एम्बेसेडर बनकर गए तो भारत का नाम बाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्कर लगाने में मजा आता है ना। कितनी दुआएं जमा करके आई। निर्मल आश्रम, डॉक्टर निर्मला चक्कर ही लगाती रहती है। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह नहीं सकती हूँ। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने चारों जोन बनाए हैं ना। पांचवा है भारत। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का, जो करके आए और जो आगे करेंगे सब अच्छा है, सदा ही अच्छा रहेगा। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों की आज विशेष याद प्यार दे रही है। रशिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रिस्पांड अच्छा मिल रहा है। हिम्मत भी अच्छी है तो मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। अच्छा, सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इसी सिद्धि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले साकार निराकार आकार बाप के साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। दादी जानकी से, जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे ही अनुभव होता है ना। एक कदम में प्यार दो और वार वार प्यार लो। सबको प्यार ही चाहिए। ज्ञान तो सब सुन लिया है ना, तो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए, दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए। तो क्या सेवा की, यही सेवा की है ना। किसको प्यार दिया बाप द्वारा और किसको शक्ति बाप से दिलाई। ज्ञान की राजों को तो जान गए हो, अभी चाहिए उनमें उमंग उत्साह सदा बना रहे। वह नीचे ऊपर होता रहता है, फिर भी
बाप दादा डबल विदेशी, बच्चों को आफरीन देते हैं। बिन धर्म में चले गए ना, बिन देश बिन रसम फिर भी चल रहे हैं, और कई तो वारिस भी निकले हैं। अच्छा, महाराष्ट्र पूना ग्रुप सभी महान आत्माएं बन गए ना, पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने हर एक बच्चे को महान बना दिया, विश्व में आपसे महान और कोई है? सबसे नीचे भारतवासी गिरे, और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं वह नीचे गिरी। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी, जो ऊंचाई का स्थान होता है उसको चोटी कहा जाता है। पहाड़ों के ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो यह खुशी है, क्या से क्या बन गए? पांडवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया है। द्वापर से लेकर पुरुषोत्तम ने ही कोई न कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स महामंडलेश्वर बनी, नहीं तो महामंडलेश्वर ही गाए जाते थे। जब से बाप ने माताओं को आगे किया, तब से उन्होंने भी दो चार मंडलेश्वरियां रख दी है, नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे। इसलिए माताओं को ज्यादा खुशी है और पांडवों को का भी गायन है। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली। नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, शक्तियों का करते हैं। क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई है, तो शक्तियां अपनी शक्ति रूप में रहती है या कभी कभी कमजोर बन जाती है। माताओं को देव के संबंध का मोह कमजोर करता है। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में, पोतरे पोतरियां में मोह हो जाता है। और पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है? पांडवों को अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है, लेकिन अब तो जीत हो गई है, अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए हैं और माताएं निर्मोही हो गई। दुनिया कहे तो माताओं में मोह होता है। अब आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही है, ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप। कोई भी आए तो यह कमाल के गीत गाए कि यह सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं, जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देते, नैन चैन तक भी नहीं आवे। कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है। तो वो क्या हुआ? वो भी क्रोध का अंश हुआ। तो पांडव विजयी है, अर्थात बिल्कुल बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। माताएं सारी विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं ये असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। लक्ष्य रखो,
तो लक्षण जरूर आएंगे। जैसी स्मृति ऐसी स्थिति हो जाएंगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसलिए फल सहज निकल रहा है। अच्छा है, बाप दादा शिवा और सोनति दोनों को देखकर खुश होते हैं। सिर्फ शिवा को देख करके नहीं, जितनी शिवा में वृद्धि उतनी सोनति में भी। दोनों साथ साथ हो, कोई इच्छा नहीं। जब आप पे ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखे। बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया, जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे संतुष्ट होना, यही टाइटल अपना स्मृति में रखना कि संतुष्ट है, और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह है विशेष वरदान। असंतुष्टता का नाम और निशान नहीं। अच्छा, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कार को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाली शक्तिशाली भवा। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंस दान बहुत पहले के साउंड को कैच करके करते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। उसके लिए सदैव अपने स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आई जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। अब स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर बल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। ओम शांति।